हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्विस्टेड एनिमे पे। सो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 एनिमे रिकमेंडेशन के बारे में। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको काफी कमाल की एनिमे मिल जाएगी। तो तुम भी ये सोच रहे हो कि आखिर ये बंदा इतनी वीडियो कैसे डाल रहा है, क्या करूं यार, मेरे दिमाग में आजकल बस एक ही बात घूमती रहती है कि अब तुम इस वीडियो क्लिप से ये मत समझ लेना कि थम्सअप वालों ने मेरे को प्रमोशन किया है या फिर स्पॉन्सरशिप करा रहे हैं। ऐसी कुछ बात नहीं है, अभी तो खुद जिंदगी के एल लगे हुए हैं, तो क्या थम्सअप और क्या माउंटेन ड्यू। लॉकडाउन खत्म होने दो, तब जाके सब मजे करते हैं। सो आज हम कोलैबोरेट करने वाले हैं भारतीय ओटाकू, जिसको हम लोग प्यार से किलुआ भी बुलाते हैं। सो ये काफी कमाल की एंड यूनिक वीडियो बनाता है एनिमे के ऊपर, सो इसके चैनल को एक बार जरूर चेकआउट करना। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 एचई एनिमे के बारे में। हाँ, इसमें पॉपुलर एनिमे आपको नहीं मिलेगा, जैसे हाई स्कूल डीएक्सडी एंड हाई स्कूल ऑफ द डेड। इसमें कुछ यूनिक एनिमे जो हम दोनों ने देख रखे हैं, सो हमने सोचा कि क्यों ना इस पे टॉप 10 वीडियो बना ही देते हैं। अगर आपको नहीं पता कि अच्छी एनिमे चीज क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं कि हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। आई नो तुम्हें पता है कि एचई एनिमे चीज क्या होती है। अगर आप 18 प्लस नहीं हो तो भाई जाकर सोनेन देख ले यार, ये तेरी लाइक चीज नहीं है। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, एक भी चीज स्किप मत करना। मैं जानता हूँ तुम मेरे बोलने के बावजूद भी इसको स्किप करोगे, सब पता है मुझे, तो यार इस वीडियो को लास्ट तक देखना। नंबर 10, कैंपियन। तो इस एनिमे की स्टोरी कुछ इस तरह है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है कुसानागि गुरो, इसके ग्रैंडफादर इसे एक स्टोन टैबलेट देते हैं, या ये कहें कि ग्रीमर देते हैं, जिससे कि हमारे मेन कैरेक्टर को इटली में एक वुमेन को देना होता है। हमारा मेन कैरेक्टर वो ग्रीमर देने के लिए इटली पहुंचता है और वहां उसे हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर एरिका मिलती है। एरिका हमारे मेन कैरेक्टर से वो ग्रीमर मांगती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर देने से मना कर देता है। अब वो यहाँ ग्रीमर इसलिए मांगती है क्योंकि उसे ग्रीमर की असली पावर के बारे में पता होता है। इन दोनों की ऐसे ही बहस चल रही होती है कि तभी वहाँ का वर्ल्ड अचानक चेंज होते हुए दिखता है और हमें दिखता है एक बड़ा सा सुअर, या कहें बोर। हमारा मेन कैरेक्टर उसे देख कर अचानक चौंक जाता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर नहीं चौंकती क्योंकि उसे मैजिक वर्ल्ड के बारे में पहले से ही पता होता है। तो अब इस ग्रीमर की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर की लाइफ कैसे चेंज होने वाली है, उसके लिए आपको ये एनिमे देखना होगा। एचई के अलावा इस एनिमे में आपको रोमांस, हारेम, कॉमेडी, फैंटसी, मैजिक ये सब देखने को भी मिलेगा। 9वें नंबर पे आता है किस एक्सिस। इसमें आपको कॉमेडी, हारेम, रोमांस, स्कूल लाइफ ये सभी देखने को मिल जाएगा। इस एनिमे में दिखाया जाता है कि केता नाम का लड़का होता है एंड उसकी मदर कई साल पहले मर चुकी है एंड उसके फादर रीमैरिज करते हैं एंड जिस वुमेन से वो रीमैरिज करते हैं उसकी दो लड़कियां होती हैं एंड वो दोनों ट्विन सिस्टर्स होती हैं। एक का नाम होता है रिको, एक का नाम होता है आको एंड वो दोनों लड़कियां केता से बहुत प्यार करती हैं क्योंकि वो दोनों लड़कियां उसके साथ ही रूम शेयर करती हैं और उसके फादर भी फोर्स करते रहते हैं कि इनमें से किसी एक को चूज कर और शादी कर लेना बाद में। अब वो इन दोनों को कैसे मैनेज करता है एंड वो दोनों लड़के कैसे कंपटीशन करते हैं उसे पाने के लिए, ये आपको एनिमे में देखने में काफी मजा आएगा। तो इस एनिमे को जरूर देखना, ये बहुत ही अच्छी एनिमे है और काफी अच्छी वाली एनिमे है, तो यार संभल के देखना इसको। नंबर 8, ब्लड ऑफ द इमॉर्टल। अगर आप कोई ऐसा एनिमे देखना चाहते हैं जिसमें आपको जापानीज कल्चर के बारे में बताया जाए या फिर समुराइज कैसे वर्क किया करते थे उनके बारे में बताया जाए, तो ये एनिमे आपके लिए परफेक्ट है। ये एनिमे हमारे दो कैरेक्टर्स के आसपास घूमता है। पहली है हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर, जिसके परिवार को समुराई के एक ग्रुप ने मार दिया है और अब वो चाहती है उस ग्रुप से बदला। दूसरा हमारा मेन कैरेक्टर मांजी, जो कि एक इमोर्टल है। अब वो इमोर्टल क्यों है वो तो आपको एनिमे देखने पर पता चल ही जाएगा। तो होता यह है कि जब हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर का पूरा परिवार मर जाता है तो पूरी तरह निराश हो जाती है और सोचती है कि अब उसके जीने का भी क्या फ़ायदा। तभी एक बुढ़िया उसे बताती है कि तुम एक ऐसे बंदे को ढूंढो जो कि इमोर्टल है और जिसने अकेले ने 100 बंदों को मारा है। यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो वो हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बात कर रही होती है। तो फिर हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर हमारे मेन कैरेक्टर को ढूंढने के लिए निकल जाती है सफ़र पे और उसका सफ़र पूरा हो ही जाता है क्योंकि उसे वो जल्द ही मिल जाता है। इस एनिमे में हमारे दोनों ही कैरेक्टर्स के अलग अलग गोल हैं। हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर का गोल होता है कि वो अपने परिवार का बदला ले और हमारे मेन कैरेक्टर का गोल होता है कि वो किसी तरह अपनी इमोर्टलिटी को तोड़ के मर सके। ये दोनों ही साथ में सफ़र करते हैं अपने अपने गोल को अचीव करने के लिए। ये एनिमे एचई के अलावा एक्शन एडवेंचर से भरा हुआ है, जिसमें आपको समुराई फाइट्स बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी। 7वें नंबर पे है व्हाई द हेल आर यू हियर टीचर। इस एनिमे में आपको एचई भर भर के मिलेगा, तो इसे जरूर देखना। इस एनिमे के आपको दो वर्जन मिल जाएंगे, एक सेंसर्ड एक अनसेंसर्ड। तो अगर आपको एचई थोड़ा कम पसंद है तो आप सेंसर्ड वर्जन देख सकते हो। मैं तो कहूंगा यार अनसेंसर्ड देखो, काफी कमाल का है। इस एनिमे में कुछ ऐसा दिखाया गया है कि 5 फीमेल टीचर होती है एंड 5 मेल स्टूडेंट होते हैं जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं और वो टीचर पढ़ा रही होती है।
अब क्या होता है कि इन पांचों का कनेक्शन उन पांचों टीचर से बन जाता है एंड हर टीचर के ऊपर तीन तीन स्टोरी बेस्ड है और हर एपिसोड 12 मिनट का है, तो आप इसको इजीली ख़त्म कर सकते हो। इससे केवल 12 एपिसोड है एंड एक ओवीए है, तो आप इसको इजीली ख़त्म कर सकते हो। इसे ज़रूर देखना यार, ये इतना शॉर्ट एनिमे है कि मैं इसके बारे में क्या बताऊँ, बस जाकर इसे देख लेना, ये एनिमे बहुत ही अच्छी है। नंबर 6, क्रॉस एंजे। तो इस एनिमे की स्टोरी कुछ इस तरह है कि हमारी जो मेन फीमेल कैरेक्टर है एंजेलिसा, वो मिसरुगी एम्पायर की फर्स्ट प्रिंसेस है। तो इनके किंगडम में ज़्यादातर लोगों के पास जन्म से ही माना होता है, यानी कि मैजिक। तो ये इसका इस्तेमाल अटैक और डिफेंस दोनों के लिए कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास माना नहीं होता, यानी कि वो माना लेस होते हैं। उसे ये लोग कहते हैं नॉर्मा। इनके किंगडम में नॉर्मास को कचरे की तरह ट्रीट किया जाता है और उन्हें बैटल के लिए भेज दिया जाता है, वो भी ज़बरदस्ती। हमारी मेन कैरेक्टर का मकसद इस अंधे कानून को हटाना है और चाहती है कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। लेकिन जब इसका 16th बर्थडे आता है, तब सबको पता चलता है कि ये खुद भी एक नॉर्मा है। हमारी फीमेल कैरेक्टर खुद चौंक जाती है, क्योंकि उसे भी आज तक नहीं पता था कि वो खुद एक नॉर्मा है। इसे भी फिर बाकी नॉर्मास की तरह ट्रीट किया जाता है और बैटल के लिए भेज दिया जाता है ज़बरदस्ती, और फिर शुरू होती है इस एनिमे की मैन स्टोरी। तो इस एनिमे में एची तो भरपूर है ही, ज़बरदस्त एची है, लेकिन इसके अलावा इसमें रोमांस भी है, एक्शन भी है, और इसकी फाइट्स तो भाई कमाल की है, और हाँ इसमें मैजिक भी है। और अगर आप में से कोई लोग यूरी एनिमेस के फैंस है, तो भाई खुश हो जाओ, क्योंकि इस एनिमे में कुछ यूरी सीन्स भी हैं, यानी कि सिर्फ इस एक एनिमे में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। 5वें नंबर पे है हाजिमेते नो गाल। इस एनिमे में आपको एची, हारेम, रोमांस ये सभी देखने को मिल जाएगा। इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है जुनिची नाम के लड़के से एंड उसके तीन दोस्तों के साथ। ये चारों अपने स्कूल में बिल्कुल सिंगल होते हैं, इनके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती एंड ये अपने क्लास में जितने भी कपल्स को देखते हैं उनसे ये गुस्सा हो जाते हैं और इरिटेट हो जाते हैं कि इन सभी के पास गर्लफ्रेंड है, हमारे पास नहीं। इसी वजह से वो सब एडल्ट मांगा और एडल्ट चीज़ें देखा करते थे जिससे उनको सुकून मिले। अब अपने मेन प्रोटैगनिस्ट एक लड़की को लाइक करता है जिसका नाम है युकाना एंड ये बातें वो अपने दोस्तों से शेयर करता है कि मैं एक लड़की को लाइक करता हूँ, इसका नाम ये है। एंड इसके दोस्त इतने कमीने होते हैं कि इसकी तरफ से लव लेटर लिखकर उस लड़की के लॉकर में रख देते हैं। एंड वो लड़की जब अपने लॉकर को खोलती है और उस लव लेटर को पढ़ती है तो वो काफ़ी शौक होती है एंड वो डायरेक्टली जुनिची से जाकर पूछती है कि क्या तुमने ये लव लेटर लिखा है और क्या तुम मुझे डेट करना चाहते हो। अब वहाँ पर जुनिची की हालत ख़राब हो जाती है कि मैं क्या बोलूँ, लेकिन जो युकाना होती है वो इस रिलेशनशिप के लिए मान जाती है एंड वो उसके साथ रिलेशनशिप में आ भी जाती है। अब इसके तीनों दोस्त उससे अलग रहने लगते हैं कि तू तो भाई गर्लफ्रेंड वाला हो गया है, अब तू हमें भाव ही नहीं देगा, मतलब फंसाए वो सब और दोस्त उसी को दे रहे हैं। अब इसी में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा कैसे वो सब पार्ट टाइम जॉब करके समर वेकेशन के लिए पैसे जुटाते हैं एंड इसमें आपको कॉमेडी भर भर के मिलेगा, तो इसे जरूर देखना। इसके दोस्त इतने कॉमेडियन होते हैं कि आपको मैं क्या बताऊं। इसके केवल 10 एपिसोड है, तो आप इस एनिमे को जरूर ट्राई करना, ये एनिमे बहुत ही कॉमेडी वाली एची एनिमे है, तो इसे एक बार जरूर ट्राई करना। नंबर 4, रोज रियतु वैम्पायर। तो ये मेरा फर्स्ट एची एनिमे था और मैंने अपनी लाइफ में जितने भी एची एनिमेस देखे हैं उनमें से ये एक ऐसा एनिमे है जो मुझे कभी बोर नहीं करता। तो इस एनिमे की स्टोरी कुछ इस तरह है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर आओनो स्कून है, वो अपने कम ग्रेड की वजह से हाई स्कूल नहीं जा पाता। लेकिन एक दिन हमारे मेन कैरेक्टर के डैड को सड़क पर एक पास मिलता है जो कि होता है योकाई एकेडमी का। तो इसका परिवार काफ़ी खुश हो जाता है कि अब इनका बेटा भी हाई स्कूल जा पाएगा। योकाई एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जहाँ पर मॉन्स्टर्स और डीमॉन्स होते हैं, जैसे कि वैम्पायर, सकीबस, इस टाइप के मॉन्स्टर्स होते हैं। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, वो सीधे योकाई एकेडमी चले जाते हैं और उसे रास्ते में मिलती है हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर आकाशिया मोका, जो कि एक वैम्पायर होती है, वो भी हाई क्लास की। तो हमारे मेन कैरेक्टर को उसे देखते ही प्यार हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर योकाई एकेडमी पहुँचता है, वहाँ उसे आकाशिया मोका भी मिलती है और योकाई एकेडमी में पहुंचने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को पता चलता है कि भाई वो एक मॉन्स्टर्स वाली एकेडमी में आ गया है। अब वो इस एकेडमी में मॉन्स्टर के साथ कैसे रहेगा, एक अकेला इंसान और पूरे मॉन्स्टर, अब वो इन सब के साथ कैसे रहेगा, कैसे दोस्त बनाएगा, ये सब देखने में आपको इस एनिमे में काफ़ी मज़ा आएगा। एची के साथ साथ इस एनिमे में आपको हारेम और कॉमेडी भी अच्छी मिलेगी, खास करके कॉमेडी। और इसमें हारेम भी वैसे काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो काफ़ी क्यूट हैं। इस एनिमे के टोटल 2 सीजन हैं और दोनों ही सीजन काफ़ी कमाल के हैं, और हाँ दोनों ही सीजन में 13-13 एपिसोड्स हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा एची एनिमे देखना है जिसमें अच्छी कॉमेडी हो, तो ये एनिमे मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा। 3रे नंबर पे आता है स्कम्स वेस। इस एनिमे में आपको एची, ड्रामा, रोमांस ये सभी देखने को मिल जाएगा। इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है हनाबी नाम की लड़की से, जो कि हाई स्कूल में पढ़ रही होती है एंड उसके स्कूल में एक न्यू टीचर की एंट्री होती है जो कि उसके बचपन का दोस्त होता है एंड वो बंदा सीनियर होता है, इस वजह से हनाबी उसे ओनी चान बुलाया करती थी, यानी ब्रदर।
अब बात यहाँ फंसती है कि हनाबी को उससे वन साइडेड प्यार होता है, बट उसने अपनी फीलिंग को कभी कन्फेस नहीं किया था उससे, एंड हनाबी इस फीलिंग को दबा कर रखते थे, एंड उसे लगने लगा था कि उसके ओनीचान उससे दूर होने लगे हैं, क्योंकि बचपन में उसके साथ खेलते थे, घूमते थे, जिसकी वजह से वो सोचते थे कि उससे अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ एक और लड़का होता है जिसका नाम होता है मुगी, एंड वो भी एक लड़की से प्यार करता है जो कि उनके ही स्कूल में म्यूजिक टीचर है, और वो भी बिल्कुल हनाबी की तरह उससे अपने फीलिंग को कन्फेस नहीं कर पाता है, एंड इस रीजन की वजह से मुगी और हनाबी काफी क्लोज हो जाते हैं। इस रीजन की वजह से लगता है कि हनाबी और मुगी दोनों रिलेशनशिप में हैं, एंड ऐसा होता भी है, वो दोनों अपनी सीक्रेट्स को शेयर करते हैं और अपने बायोलॉजिकल नीड को भी पूरी करते हैं। मतलब तुम समझ ही सकते हो यार मैं क्या बोल रहा हूँ। और भी इसमें आपको काफी डीप मीनिंग देखने को मिल जाएगी, तो इसे जरूर देखना। नंबर 2, हाउ नॉट टू समन अ डेमन लॉर्ड। तो इस एनिमे की स्टोरी कुछ इस तरह है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो एक गेम खेल रहा होता है, और अचानक वो अगले पल उस गेम में पहुंच जाता है और वो देखता है कि उसके सामने दो लड़कियां हैं जिन्होंने उसे समन किया है। तो इससे तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि ये एक इसेकाई एनिमे है। तो वो दोनों ही जो लड़कियां होती हैं वो इसे स्लेव बनाना चाहती है क्योंकि उन्होंने इसे समन किया है, लेकिन होता इसका उल्टा है। वो दोनों ही लड़कियां हमारे मेन कैरेक्टर की स्लेव बन जाती हैं। उनके साथ रहते रहते हमारे हीरो को उनकी सैड स्टोरी के बारे में पता चलता है, और हमारा हीरो उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। तो इस एनिमे में भी आपको एचसी के अलावा हारेम, कॉमेडी, एक्शन, मैजिक, सुपर पावर ये सब देखने को मिलेगी, और साथ में एडवेंचर भी। तो बात करें अगर इसके एक्शन की, तो इसमें एक्शन काफी अच्छा है, इसमें मैजिक का यूज भी काफी अच्छे से किया गया है, और इसमें एचसी भी ठीक ही है। ओवरऑल ये एनिमे अच्छा है क्योंकि इसमें हमारा मेन कैरेक्टर एक ओवर पावर्ड मेन कैरेक्टर है, जो कि आपको ज्यादातर इसे कई एनिमे में देखने को मिलता ही है। पहले नंबर पे आता है डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड। मुझे लगता है कि सभी ने इस एनिमे को देख रखा होगा, अगर नहीं देख रखा तो आप इस एनिमे को जरूर देख लेना। इस एनिमे में आपको एचसी ड्रामा रोमांस देखने को मिल जाएगा। इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है नात्सुओ नाम के लड़के से, जो कि वर्जिन होता है, एंड वो अपने दोस्तों के साथ डेट पे गया होता है। वहां पर एक लड़की से मिलती है जिसका नाम होता है रूई, एंड वो उसे ऑफर देती है कि तुम मेरे साथ अपनी वर्जिनिटी लूज कर सकते हो, और ये बंदा खुशी खुशी उसके साथ ये कर बैठता है, एंड ये कारनामा करने के बाद वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, एंड ये सभी बातें वो अपने बेस्ट फ्रेंड को बताता है कि मैंने एक लड़की के साथ अपनी वर्जिनिटी लूज कर ली। एंड दूसरी तरफ नात्सुओ एक लड़की को लाइक करता है जिसका नाम होता है हिना, एंड वो उसके यूनिवर्सिटी में टीचर है। अब इस एनिमे में ये टर्निंग पॉइंट आता है कि जो नात्सुओ के फादर होते हैं वो दूसरी शादी कर रहे होते हैं, क्योंकि नात्सुओ की मदर कई साल पहले ही मर चुकी थी, एंड नात्सुओ के फादर जिस वुमन से शादी करते हैं उसकी दो लड़कियां होती हैं, एंड वो लड़कियां और कोई नहीं, एक होती है हिना और दूसरी होती है रूई, जिसके साथ इसने वर्जिनिटी लूज की थी और जिस लड़की को ये लाइक करता है। अब वो दोनों लड़कियां इसकी स्टेप सिस्टर्स हैं। अब अपना नात्सुओ इन दोनों लड़कियों को कैसे मैनेज करता है ये आपको एनिमे में ही देखने में काफी मजा आएगा। तो इस एनिमे को जरूर देखना यार, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। इनफैक्ट ये मेरा फेवरेट एनिमे है, इसके अभी 12 एपिसोड निकले हुए हैं, तो यार इस एनिमे को जरूर देख लेना, ये बहुत ही अच्छी एनिमे है। एंड हाँ, तो मैं एक राज की बात बताता हूँ कि डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड का अनसेंसर्ड वर्जन भी है, तो अगर देखने का मन है या देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो यार अगर तुम यहां तक आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड लाइक बटन को जरूर दबाना, एंड हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना होगा तो कर लेना, वरना मत करना यार, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो यार मिलते हैं अगली वीडियो में लेकर कुछ नया, तब तक के लिए गुड बाय।